बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बंद कर साइकिल। पाके बंजारू से डेढ़ सालों से हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साहिल बलूचिस्तान पर डाकुओं ने हमला किया है। डाकू हमारे समंदर को बेरे बलोच को ताराज कर रहे हैं, हमारे मायगीरों को नान शबीना का मोहताज कर रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान नाकाम, फिशरीज नाकाम, एमएस नाकाम, कोस्ट गार्ड नाकाम, मेरी नाकाम, नेवी नाकाम, जितने इदारे हैं जो साहिल की हिफाजत करने के लिए, कौम की हिफाजत करने के लिए, वो नाकाम हैं। और दिन दिहाड़े हमारे साहिल बलूचिस्तान को ये डाकू सिंध से आकर के ताराज कर रहे हैं। इसलिए आज हम जा रहे हैं अपने साहिल को बचाने के लिए, ये पैगाम देने के लिए हम जा रहे हैं आज, और हुकूमत को, इदारों को, फोर्सेस को बताने के लिए कि तुम नाकाम हो, तुम करप्ट हो, तुम हमारे साहिल को ताराज कर रहे हो, उसके बदले पैसे लेते हो, भत्ता लेते हो, डाकू की सरपरस्ती करते हो, ट्रालर माफिया की सरपरस्ती करते हो, लेकिन गैरतमंद बलोच मर नहीं गए। गैरतमंद बलोच आज भी जिंदा हैं, आज भी अपने साहिल की हिफाजत करना चाहते हैं। तुम बत्तखोर हो सकते हो, लेकिन गैरतमंद बलोच आज भी बलूचिस्तान में जिंदा हैं। हम साहिल की हिफाजत भी कर सकते हैं, डाकू को भगा भी सकते हैं, डाकू को मार भी सकते हैं। इसलिए आज हम जा रहे हैं हुकूमत को पैगाम देने, इदारों को पैगाम देने कि आपने अगर किबला दुरुस्त नहीं किया तो हम मुस्तकिल तौर पर, आज हम बताने जा रहे हैं आइंदा मुस्तकिल तौर पर इंशाल्लाह अपने साहिल बलूचिस्तान की, बेरे बलोच की हिफाजत करेंगे। और ये हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है कि तमाम टैक्स वो खाते हैं, असला उनके पास है, एटमी कुव्वत वो कहते हैं, मुनज़्ज़म फौज अपने आप को कहते हैं, समंदर की हिफाजत के दावे करते हैं, लेकिन वो डॉलर नहीं पकड़ सकते। इसलिए नहीं पकड़ सकते कि ख्वार होंगे तो बलोच ख्वार होंगे, उनको क्या है, बदाल होंगे तो बलोच बदाल होंगे, उनको क्या है, लेकिन उनको पैगाम देंगे कि हम इंशाल्लाह खैरतमंद बलोच अपने बेरे बलोच की, अपने साहिल की हिफाजत पे करेंगे। इंशाल्लाह हम किसी सूरत अपने साहिल को फिशरीज के बत्तखोर अफसरान के हवाले नहीं करेंगे, मेरीन के बत्तखोर अफसरान के हवाले नहीं करेंगे, किसी इदारों के बत्तखोरों के हवाले नहीं करेंगे, हम हुकूमत के बत्तखोर वजूरे के हवाले नहीं करेंगे, साहिल के बच्चे अपने साहिल की खुद हिफाजत करेंगे।